इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का जो फॉर्म निकल के आया हुआ है उसका आप लोग पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो सबको बहुत सारा दिक्कत आ रहा कि पोस्ट प्रिफरेंस जो है किस तरह से हम लोग डालेंगे ताकि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग का यही वीडियो में बात करने वाले, तो देख पा रहे हो आप लोग पोस्ट प्रिफरेंस वाले सेक्शन पे जहाँ पे आओगे आप लोग, ठीक है, यहाँ आप लोग को पता चलेगा। देखो यहाँ पे 11 से स्टार्ट हुआ है आप लोग का कोड और इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो आना है, इस तरह से आओगे आप लोग तो 72 तक आप लोग का कोड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और आप लोग 79 पेज पे आओगे, देखो कितना में 79 पे आओगे, तो यहाँ भी आप लोग देखो अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि ये एमटीएस पद के लिए आप लोग का अलग अलग बांटा गया है, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि हवलदार का यदि बात करेंगे हम लोग, देखो नीचे आओगे आप लोग, देखो ये हवलदार वाला, देखो डिटेल ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, तो ये हवलदार का आप लोग वैकेंसी है वो भी कैटेगरी वाइज। तो हवलदार पोस्ट के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग मतलब देखो कैटेगरी वाइज बांटा गया है। यदि आप लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप समझ लो जनरल से आते हो, तो आप लोग सीट देख के भर सकते हो कि मुझे जाना है दूर या सामने जाना है, तो बगल में जाना है तो कलकत्ता हो गया, 45 सीट है जनरल में, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट दिया है। यदि हवलदार पोस्ट के लिए आप लोग देना चाहते हो तो आप लोग पहले पोस्ट देख लेना है, ठीक है, और कैटेगरी में आप लोग का कितना सीट है वो देख लेना। लेकिन यही यदि आप लोग एमटीएस वाले पद पे आओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है आप लोग देख पा रहे हो, सिंपली आप लोग को बताया मतलब किस कैटेगरी में कितना आप लोग का है सीट उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो सिंपली देख पा रहे हो यहाँ पे एमटीएस, जैसे कि चंडीगढ़ का ये है आप लोग का यूटी हो गया ये, ठीक है, और कोई रीजन मतलब कोड दिया गया, रीजन क्या पड़ता है वो दिया गया। तो एमटीएस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि आप लोग का किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो आप लोग पोस्ट प्रिफरेंस कैसे देना है समझने वाला बात है। यदि आप लोग देखो एक चीज आप लोग को और एक चीज पता होना चाहिए आप लोग का कि हवलदार पोस्ट के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग का हाइट भी चाहिए, ठीक है, तो हाइट कम से कम वही। तो देखो यहाँ पे आओगे आप लोग 18 नंबर पेज पे, यदि आप लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग देखो 1600 मीटर आप लोग का रेस होगा जो कि आप लोग देखो 15 मिनट में होगा, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर आप लोग का होगा 20 मिनट में होगा। यदि आप लोग दौड़ने में सक्षम हो और आप लोग हाइट है, आप लोग हाइट कितना मांगा गया बहुत ही मिनिमम मांगा गया, यदि आप लोग का है ये देखो इतना मतलब 158 के करीब की पकड़ लो आप लोग, ठीक है, 157.5 सेंटीमीटर यदि आप लोग का है तो आप लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप किसी किसी क्या होता है थोड़ा सा भी दौड़ता है तो हाँपने लगता है या आप लोग दौड़ने में सक्षम नहीं हो तो आप लोग सिंपली एमटीएस वाले पद पे भरना है। देखो यहाँ चेस्ट भी बताया गया इतना लगेगा और लड़की लोग का इतना हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और वेट आप लोग का 48 किलो चाहिए, ठीक है। तो ये सब समझ में आ चुका है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अब समझ लो यदि आप लोग हवलदार के पोस्ट मतलब पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली देखो यहाँ पे हवलदार हवलदार आप लोग देख पा रहे हो, जो हवलदार हवलदार है ना आप लोग सीट वाइज देख लेना कि हवलदार में कलकत्ता में ज्यादा सीट होगा तो सिंपली हवलदार वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। कम से कम आप लोग हवलदार वाला लाइन टू लाइन आप लोग का क्या देना, देखो यहाँ पे जो हवलदार लिखा हुआ 27 सीट पहले देख लेना वहां जाके जहाँ हम लोग बताया हवलदार पोस्ट के लिए बता रहे पहले। इसके बाद देखो फिर से आपको हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना है 28 कर देना है, फिर आप लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना है देख लेना कहाँ है, इसके बाद इस तरह से 29 भर लेना है। इस तरह से आप लोग देखो जो टोटल हवलदार ही वाला मानना है आप लोग, यदि आप लोग हवलदार वाले पोस्ट पे कर रहे हो तो लगातार आप लोग 7 तो प्रिफरेंस हवलदार वाला दे देना है। इससे क्या होगा समझ लो कि आप लोग हम क्या डाले 27 डाले, 27 में मेरा कलकत्ता में नहीं हुआ तो प्रिफरेंस देने का मतलब क्या इस पे ज्यादा कटअप चल गया मेरा तो आप लोग का इस पे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इस पे भी आप लोग का ज्यादा कटअप चल गया तो आपका इस पे सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप लोग का होगा, तो ये आप लोग का प्रिफरेंस का ये फायदा है, ठीक है। और एक चीज यदि आप लोग मतलब समझ लो किसी किसी को पता ही नहीं है, यदि आप लोग हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो या दौड़ने में अक्षम हो या आप लोग सिर्फ एमटीएस पद के लिए देना चाहते हो तो सिंपली आप लोग क्या कर लेना है, आप लोग को सिंपली इस तरह से देखो टोटल जो है एमटीएस का पद सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखो इस तरह से एमटीएस के पद देखो यहाँ पे देखो जैसे कि आप लोग आ जाना है, देखो एमटीएस बिहार के लिए करना चाहते हो तो बिहार कर देना 24, इस तरह से आप लोग और भी करना है जैसे एमटीएस ये उत्तराखंड का है इस तरह से कर देना है, फिर आप लोग 21 कर देना है। कम से कम आप लोग यदि 700 जरूर देना आप लोग को, कितना देना 7 प्रिफरेंस जरूर देना, 7-8 प्रिफरेंस आप लोग को जरूर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक्स एंटर करोगे पूरा एंटर हो जाएगा, इसके बाद फिर से एमटीएस वाला टोटल हम डाल देते हैं, जैसे कि ये देखो 40 हो गया एमटीएस, ये अपने मुताबिक आप लोग सीट देखे, सीट तो इसमें दिखाएगा नहीं तो अपने मुताबिक जो आप लोग का नजदीक पड़े, किसी किसी का होता है कि मुझे दूर जाना है तो दूर देख के जहां अपने मुताबिक आप लोग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग एमटीएस पद के लिए कर रहे हो तो एमटीएस टोटल सेलेक्ट करना है और हवलदार पोस्ट के लिए कर रहे हो तो हम लोग का हवलदार 7 तो करना है। लेकिन अब किसी किसी का क्या होगा देखो एमटीएस में भी यहाँ यदि आप लोग का प्रिफरेंस ज्यादा मतलब यहाँ कटअप ज्यादा चल गया तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें इसमें ज्यादा चल गया इसमें चल जाएगा, तो आपको कम से कम 7 प्रिफरेंस जरूर देना है। अब किसी किसी का है सर मुझे दोनों अप्लाई करना है, क्या करना है सर मुझे हवलदार भी अप्लाई करना है और क्या एमटीएस भी अप्लाई करना है, तो सर कैसे करेंगे, तो देखो पहला प्रिफरेंस तो आपको किसी को देना ही होगा, पहला प्रिफरेंस आपको क्या करना होगा कि आप लोग एमटीएस के पद पे अप्लाई कर रहे हो मतलब दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग पहला सोचना होगा, पहला एक देखना होगा
कि हम पहला एमटीएस रखेंगे या पहला हवलदार रखेंगे, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर। यदि आप लोग पहला एमटीएस रखना चाहते हो तो इस तरह देखो, पहले आप लोग एमटीएस इस तरह से आप लोग कर लेना। देख जैसे कि 24 हो गया आप लोग का एमटीएस, देखो यहाँ पे 24 हो गया ये बिहार एमटीएस का। फिर आपको बोलोगे हवलदार करना है तो फिर आप लोग हवलदार कर लेना है। देखो जैसे कि ये हवलदार है 26, तो 26 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो जैसे कि ये पहला आप लोग एमटीएस, यदि आप लोग एमटीएस में हो जाता तो एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस एमटीएस में आप लोग नहीं होता तो आप लोग सेकंड प्रीफरेंस कहाँ चल जाएगा आप लोग का, कहाँ चल जाएगा आप लोग का, हवलदार में चल जाएगा। ये समझने वाली बात है आप लोग का। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप लोग देना चाहते हो तो जैसे देना चाहते हो, फिर एमटीएस देना चाहते हो, फिर हवलदार देना चाहते हो, इस तरह से आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन यदि आप लोग एक ही करना चाहते हो तो कम से कम 7 तो लाइन बाय लाइन आप लोग को प्रिफरेंस देना है आप लोग को। और हवलदार के लिए कर रहे हो तो हवलदार कोई कोई एक करके छोड़ देता है, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। फिर आप लोग अच्छा खासा नंबर रहेगा, समझ लो। कोई कोई क्या करता है, एक ही देता है और वो एक्स करके वो हटा देता है, बोलता नहीं और नहीं देंगे। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है, आपको कम से कम 7 प्रिफरेंस 8 प्रिफरेंस देना ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।